अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है 10 News 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के एग्जाम के पेपर में बहुत सारे मिस्टेक्स थे। जो लोग अपीयर के एग्जाम, वो लोग 2 महीने से अपने मसाइल को हल करने का मुतालिबा कर रहे हैं, जिसके बाद ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कलेक्टर के ऑफिस के सामने धरना किया जा रहा है। आइए नाजरीन देखें हमारे नुमाइंदे असलमुद्दीन की रिपोर्ट। 10 News 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उनके मसाइल का हल करने का मुतालबा करते हुए लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनके मसाइल को हल करने में नाकाम होती है। तो आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और तमाम ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना के यहाँ पर इत्तेजाज कर रहे हैं। हमें मांग कर रहे हैं कि जो धानिया ये रिक्रूटमेंट के अंदर हुई है, जो रिक्रूटमेंट चेयरमैन के जरिए जो गलतियाँ की गई उसको फौरन रेटिफाई करके उनके साथ इंसाफ किया जाए और बेरोजगार नौजवानों के जिंदगियों के साथ ना खेला जाए और उनको इंसाफ देने की मांग करते हैं। हैदराबाद कलेक्टर के हाल के सामने धरना प्रदर्शन करें और 9 तारीख के दिन हैदराबाद चलो हैदराबाद का नारा काल हमने दिया है, उसके जरिए भी सरकार को हमारे मसाइल को दिखाई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं 10 News 24x7। इसको YouTube पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।